बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगेतर से बातचीत करना, यानी अभी निकाह नहीं हुआ है, लेकिन हाँ निकाह के लिए जो तारीख है, जो डेट है, वो मुतय्यन कर चुके हैं, मंगनी हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में क्या निकाह करने वाले एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं? फ़ोन पे बातचीत करना, खैर खैरियत मालूम करना कैसा है, जायज़ है या नहीं, क्या मसला है? जैसा कि किताबुल मसाइल में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 55 पर मसला मौजूद है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक अभी निकाह नहीं हुआ है, निकाह शादी नहीं हुई है, तब तक उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे मंगनी हो जाए, चाहे निकाह के लिए तारीख मुतय्यन हो जाए, डेट फिक्स्ड हो जाए, जो भी हो जाए, अभी तक वो आपके लिए हलाल नहीं है। इसीलिए चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बातचीत हराम है। जैसे अजनबी है, अजनबिया है, जिनसे निकाह नहीं हुआ है, उनसे खैरियत यानी कलाम करना, उनसे बातचीत करना जैसे हराम, मिलना हराम, वैसे ही सेम, बिल्कुल एक जर्रा भी फर्क नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उससे मिलना जुलना, उससे बातचीत करना जैसे हराम, वैसे ही मंगेतर से सेम दर्जे का हराम है। यानी लोगों के जहन में आज ये मसला बैठ गया है, पता नहीं कौन गलत सलत बयान करके चला गया कि बस निकाह अभी हुआ नहीं है, लेकिन मंगनी हो गई है तो अब तुम उससे बातचीत कर सकते हो। हम बिस्तरी नहीं कर सकते, जिना नहीं कर सकते, उससे मिल नहीं सकते, क्योंकि अब जिना में हो जाएगा, अभी निकाह नहीं हुआ है, सोहबत नहीं कर सकते, निकाह नहीं हुआ, लेकिन आप बातचीत कर लो, चलेगा। पता नहीं कौन बयान करके चला गया, कहां से सुन लिए, गलत है। क्योंकि बातचीत हो, अभी अजनबी है, वो आपके निकाह में आई नहीं है, वो अभी आपके लिए हलाल ही नहीं हुई है, तो आप कैसे उससे बातचीत कर सकते हैं? दरवाजा खोलना है, जिना का दरवाजा होता है ऐसे। आज आप आजमा कर देखिए, बातचीत कहेंगे चलो बातचीत करो, बातचीत के बाद मामला दूसरे रास्ते पहुंच जाता है, बातचीत से सिर्फ जबान से जाके बहुत दूर तक मामला पहुंच जाता है, और फिर ऐसा होता है कि अब निकाह होने वाला ही था, दोनों का मामला सब कुछ हो गया, एक दूसरे से मिल गए, बस खत्म, निकाह के लिए लड़का मना कर दिया। अब ये बेचारी सर पीटती रही कि अरे अरे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, केस लड़ो, ये करो वो करो, बड़ा धंधा है। तो कहने का मतलब था कि ये सारे गलत रास्तों को खोलना है, इस तरह की इजाजत देना। बहरहाल जो भी हो, खोलना हो या न हो, ये मसलहत की बात हो, ये सब बालाए ताक हैं। शरीयत इस्लाम इस तरह जिनसे निकाह नहीं हुआ है बातचीत करने की इजाजत नहीं देता है। लिहाजा मंगनी हुई हो, न हुई हो, या तारीख हो मुतय्यन हो गई हो, या एक घंटे के बाद भी शादी हो, फिर भी आप उससे बातचीत नहीं कर सकते, उससे नहीं मिल सकते, ये नाजायज है, गुनाह है, हराम है। इसीलिए मैं इसको साफ तौर पे आपके सामने बयान कर रहा हूं, बराए करम गुनाहों से खुद को बचाइए। अल्लाह ताला समझने की और अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।